तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं हेडशॉट के बारे में, यानी सेंसिविटी से ऑटो हेडशॉट कैसे पड़ता है। तो दोस्तों बहुत से लोगों का सवाल रहता है भाई सेंसिविटी से हेडशॉट कैसे मारे, हम अपनी सेंसिविटी कितना बनाएं जिससे हेडशॉट पड़े। तो मतलब भाई मैं सबसे पहले बता दूं कि हेडशॉट पड़ता है तो उसमें सिर्फ 15% हेडशॉट सेंसिविटी से पड़ता है। मतलब हेडशॉट में जो सेंसिविटी वर्क करता है सिर्फ 15% ही वर्क करता है, बाकी दूसरी दूसरी सेटिंग्स होते हैं और सब चीज़ें होते हैं जो डिपेंड करते हैं हेडशॉट के ऊपर। तो भाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हेडशॉट कैसे पड़ता है। भाई सेंसिविटी एनसिविटी कुछ होता नहीं है, आपको जितने गेमर मिलेंगे बस ये बोलेंगे भाई इतना सेंसिविटी कर लो, 2 GB रैम का है तो उतना कर लो या 4 GB रैम का है तो उतना कर लो। भाई सेंसिविटी कुछ होता होता नहीं है, बस सिंपल सा ये एक बेवकूफ़ बनाने का प्रोपेगेंडा है। भाई आपने कभी देखा है क्या सेंसिविटी में कोई हेडशॉट का ऑप्शन होता है? नहीं होता है, बस सिंपल सा जनरल होता है, रेड डॉट होता है, फ्री लॉक, 2X स्कोप एंड 3X स्कोप, या जो 4X स्कोप होता है, 3X स्कोप नहीं होता है, एंड स्नाइपर स्कोप होता है, AWM स्कोप। तो मतलब भाई इसमें हेडशॉट मतलब कैसे पड़ जाएगा, कौन सा इसमें ऑप्शन है जो है कि आप हेडशॉट मार दोगे? हो ही नहीं सकता है किसी भी कीमत पे। तो मतलब ये सब एक प्रोपोगेंडा है भाई। हेडशॉट मतलब आपको सिर्फ 15% डिपेंड करता है, वो भी आप किस सेंसिविटी से कितना अच्छा खेल लेते हो, बस यही डिपेंड करता है, और कुछ होता होता नहीं है। तो यार सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ आपको अपने फ़ोन के स्क्रीन पर, एंड आप वहीं पर देख लेना कि सेंसिविटी होता क्या है, कैसे इससे हेडशॉट पड़ता है। तो फ्रेंड्स अभी हम आ गए अपने फ़ोन के स्क्रीन पर। तो सिंपल सा आपको देखना है भाई, अभी स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो देखना है। फर्स्ट सेंसिविटी की बात करता हूँ, अभी चल के देख लेते हैं फर्स्ट सेंसिविटी। तो भाई एकदम स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखना, तभी समझ में आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल की। भाई जनरल होता क्या है? बस जनरल ये होता है कि आप अपने बंदे को कितना मूव कर सकते हो, मतलब सिर्फ बंदे को, अपने प्लेयर को कितना मूव कर सकते हो, मतलब उसका मूवमेंट कितना कर सकते हो। तो भाई जनरल आप सिंपल से इसको कम करके देख लीजिए, एंड यहाँ से पीछे आते हैं, आप देख सकते हो भाई ये अभी ये कितना कम मूव हो रहा है, आप खुद ही देख सकते हो कितना कम मूव हो रहा है, ठीक है। एंड अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है भाई, स्टेप बाय स्टेप एकदम ध्यान से देखना, मतलब इसे मैं फुल कर दे रहा हूँ, एंड यहाँ से बैक आता हूँ। अभी आप देख सकते हो कैसे मूव कर रहा है भाई, थोड़ा ध्यान से देखना अभी कितना ज़्यादा मूव कर रहा है। बस यही होता है जनरल। एंड जनरल से बहुत से लोग बोलते हैं हेडशॉट पड़ने की क्या नाम है चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो ऐसा कुछ होता होता नहीं है भाई। आप कितनी सेंसिविटी से कितना अच्छा खेल लेते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप मतलब आप सेंसिविटी हमेशा अलग अलग थोड़ा थोड़ा करके आप देख लीजिए कि मतलब आपका बंदा बहुत ज़्यादा घूम रहा है तो आपको खराब लग रहा है भाई आप नहीं खेल पा रहे हो, या बहुत कम घूम रहा है मूव कर रहा है तो आप नहीं खेल पा रहे हो, मतलब अपने हिसाब से कर लेना मीडियम फुल या लो जो भी करने का है। अब बात करते हैं भाई सेकंड पार्ट का, जो रेड डॉट है। तो अभी सेकंड सेंसिविटी जो रेड डॉट है भाई उसे एकदम ध्यान से देखना भाई। बहुत से लोग बोलते हैं कि ये मतलब सबसे मायने सेंसिविटी में, जिससे मतलब इसी से होता है सब कुछ, इसी से हेडशॉट पड़ता है। तो अभी मैं बता रहा हूँ ये है क्या। तो भाई सिंपल सा आपको क्या करना है, रेड डॉट को सबसे कम कर लेना है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि रेड डॉट होता क्या है। भाई यहाँ पे आया एंड मैं यहाँ से एक गन ले रहा हूँ ग्रोजा। तो भाई अभी वापस आ रहा हूँ मैं, एंड मतलब जो भाई अभी देख रहे हो ना आप, ये रेड हो रहा है ना, रेड ये बंदा जो रेड हो रहा है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बिना स्कोप के जो ये दिख रहा है ना, छोटा सा स्कोप टाइप का, मतलब आपका ये जो है ना एमओ का मतलब ये भाई जो है दिख रहा है, बस ये रेड डॉट। तो भाई मतलब रेड डॉट होता क्या है, अगर आपका रेड डॉट बहुत कम रहेगा, मतलब एकदम से कम रहेगा, तो क्या होगा भाई, मतलब भाई ये चिपक, ये बहुत ज़्यादा चिपक रहा है भाई। एंड मेरा तो मतलब एक्सपीरियंस हो गया, तो थोड़ा हेडशॉट भी लग भी रहा है, और तो मतलब ज़्यादा ऊपर जाता है ना, ये देखो ये देखो ऊपर नहीं जा रहा है, थोड़ी पूरा फुल कर, मतलब यही है। एंड अभी मैं इसको क्या कर रहा हूँ, फुल करके दिखा रहा हूँ, एंड यहाँ पे इसे मैं फुल कर दे रहा हूँ। अभी आप देखना भाई, ये देखो देख रहे हो ना, मतलब ज़रा भी चिपक नहीं रहा है। तो बस यही है, बहुत से लोगों का होता क्या है भाई कि मतलब इसे रेड डॉट को अगर फुल कर देते ना तो एमओ सर के ऊपर से चले जाता है, मतलब सर के ऊपर से चले जाता है। अभी मेरा तो हेड शॉट लग रहा है, और आपको क्या होगा, मतलब एमओ ऊपर चले जाएगा भाई, है ना, ये देखो, मतलब आप लोगों का बहुत सारा ऊपर चले जाएगा ऐसे। तो यही है रेड डॉट। एंड अब बात कर लेते हैं भाई सेकंड सेंसिविटी की, जो नेक्स्ट सेंसिविटी है। अब बात करते हैं भाई 2X स्कोप की। तो ये 2X स्कोप होता क्या है भाई, सबसे पहले इसको 2X स्कोप कम करके देख लो, ये देखो अभी बता रहे हैं 2X स्कोप का एक गन ले रहे हैं हम। तो यहाँ से MP5 भाई ये मैंने चूज़ किया, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें 2X स्कोप लगा हुआ है। ओ भाई गिरना नहीं, आप देख रहे हो यहाँ पे 2X स्कोप लगा है। एंड अभी आप मूव होके आ रहे हैं हम भाई, ये देखो अभी ये स्कोप है ना, अगर ये फुल रहेगा तो इसके चांसेस मूव होने के बहुत ज़्यादा रहेंगे भाई, अगर ये फुल रहेगा तो इसके चांसेस मूव होने के। एंड अभी हमारे सेंसिटिविटी के ऊपर भाई, अब अगर फुल रहेंगे तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा, ये तो आपको बता ही चुका हूँ। तो अभी मैं फुल करके दिखा रहा हूँ इसके चांसेस कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, मतलब
मतलब बंदे के बॉडी पर चिपकेगा नहीं, ये बहुत ज़्यादा मूव होएगा, मतलब आप कितना भी ज़्यादा मूव कर सकते हो उसको। तो यही है 2x स्कोप, यही हाल 4x स्कोप का है और यही स्नाइपर का भी है। मतलब भाई 4x स्कोप का भी आपको दिखा देता हूँ मैं, एंड यहाँ से सेंसिटिविटी पर चलते हैं। तो भाई ये है 4x स्कोप, तो सबसे पहले इसको मैं कम करके दिखा रहा हूँ, एंड यहाँ से आते हैं 4x स्कोप का एक गन लेते हैं भाई। शायद ग्रोजा मेरा 4x स्कोप का है, तो नहीं 2x स्कोप का है भाई, 4x स्कोप। तो भाई मैं 4x स्कोप अपने MP5 में सेट कर लिया हूँ, तो अभी आप देख सकते हो ये 4x स्कोप, एंड ये भाई आप देख सकते हो कितना मूव कर रहा है, मतलब ओहो देख रहे हो ना भाई। तो अभी चलते हैं सेंसिटिविटी पर, एंड वहाँ से देख लेंगे फुल करके। तो भाई हमने सेंसिटिविटी को फुल कर दिया है, एंड यहाँ से अभी देख रहे हैं भाई, अभी आप देख सकते हो कितना ज़्यादा मूव हो रहा है भाई, आप खुद देख सकते हो यार कितना ज़्यादा मूव हो रहा है, मतलब ओहो ऐसे में देख सकते हो, है ना भाई। ये बंदे के बॉडी पर ज़्यादा चिपकेगा नहीं, मतलब आप अगर बंदा भाग रहा है तो मतलब मूव हो रहा है, आराम से मूव हो रहा है, आप हेडशॉट मार सकते हो एमो भाई, मतलब ये क्या होता है कि ऐसे बॉडी पर चिपकेगा नहीं, और ऐसे गोली चलाते समय जब ये हेड पे ऐसे जाके लगेगा ना, मतलब थोड़ा स्कोप में होने दो, यहाँ पे ऐसे जाके लगेगा तो रेड डॉट पड़ेगा, और बंदा जैसे एक ही भी रेड डॉट पड़ा ना तो डाउन हो जाएगा। बस यही होता है 4x स्कोप। एंड भाई अभी स्नाइपर का चेक कर लेते हैं हम लोग, तो सेंसिटिविटी पे चलते हैं सबसे पहले। ये रहा भाई स्नाइपर स्कोप, तो इसे कम कर लेते हैं, एंड यहाँ से स्नाइपर एक ले लेते हैं भाई, स्नाइपर में AWM ले लेते हैं, एंड यहाँ से आप देख सकते हो स्नाइपर भाई, ये देख सकते हो आप, मतलब मैं बंदे के ऊपर लेके गया, एंड इधर कितना मूव हुआ है, एंड दोबारा बंदे के ऊपर लेके जा रहा हूँ, एंड इधर देख सकते हो आप कितना मूव हो रहा है ना भाई। अभी चलते हैं सेंसिटिविटी पे, इसको फुल कर देते हैं भाई, एंड यहाँ से देखते हैं स्नाइपर का, देख रहे हो ना भाई पूरा मूव कितना हो रहा है, तो मतलब इधर पूरा साइड तक आ रहा है, देख रहे हो ना बिल्कुल भी चपक नहीं रहा है। बस यही होता है स्नाइपर स्कोप। एंड भाई अगर स्नाइपर में आप फुल करके, मतलब ये ज़्यादातर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फुल करके खेल सकते हो या नहीं, मतलब कोई इसका रेंज वेंज नहीं है कि मतलब इतना कर लो या उतना कर लो तो हेडशॉट पड़ेगा। पर होता क्या है कि अगर इसको फुल कर ले तो ये बहुत ज़्यादा मूव करेगा, मतलब क्या है भाई मैं तो ज़्यादा फुल करके खेल नहीं पाता हूँ, एंड आप ऐसा खेलते हो भाई उसे एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है ना। अब लास्ट सेंसिटिविटी है जो चेक कर लेते हैं फ्री लॉक का, तो भाई फ्री लॉक सबसे इम्पोर्टेंट है, इसी को चेक करते हैं अपन। अब भाई थोड़ा देख लेते हैं कंट्रोल पे आके, तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं भाई, यहाँ पे आप यहाँ साइड में देख रहे हैं फ्री लॉक, ये फ्री लॉक है वैसे, सबसे पहले ऑन करते हैं एंड कस्टमाइज पर जाते हैं, तो इसे अरे सॉरी भाई यहाँ है अपना फ्री लॉक, यहाँ पे है, तो सबसे पहले फ्री लॉक को यहाँ पे लाता हूँ मैं, एंड थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। अभी बैक आते हैं, तो भाई मतलब ये आप देख रहे हो दौड़ते समय, ये देखो ये अपना फ्री लुक। तो भाई मतलब फ्री लुक से होता क्या है कि जैसे अगर आपको पीछे देखना है रनिंग के टाइम पर, तो आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको मतलब बंदे को जंप करके देखना होगा यहाँ से, फिर आप ऐसे देखेंगे ऐसे, और अगर फ्री लुक है तो आप ऐसे ही देख सकते हैं। अब भाई ये डिपेंड करता है फ्री लुक आपका कितना मूव होगा, अगर फ्री लुक कम है तो कम मूव होगा, अगर फ्री लुक ज़्यादा है तो ज़्यादा मूव होगा, बस यही होता है फ्री लुक और कुछ भी नहीं है। तो भाई सिंपल सा आपको मैंने सब कुछ बता दिया है, तो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस सेंसिटिविटी से कितना अच्छा खेलते हो, पर इतना बात ध्यान में रखना कि सेंसिटिविटी सिर्फ 15% ही डिपेंड करता है, आप कितना भी अच्छा सेंसिटिविटी बना लो कि आप बस इस सेंसिटिविटी से बहुत अच्छा खेल लेते हो, पर चाहे जितना अच्छा खेलो अगर सेंसिटिविटी से जितना अच्छा खेल लेते हो बस सेंसिटिविटी इतना ही डिपेंड करता है कि आप 15% तक का ही हेडशॉट मार सकते हो सेंसिटिविटी से। तो फ्रेंड्स जो भी कुछ था मैंने बता दिया डिटेल से, एंड अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया तो दोबारा से रिपीट करके देख लेना, एंड मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ शॉर्ट में भाई, जो पहला सेंसिटिविटी है जनरल, उसका काम क्या है कि आपके बंदे को मतलब आपके कैरेक्टर को इधर उधर मूव करना भाई, आपके बंदे को वो मूव करेगा इधर उधर, अगर वो लो रहेगा तो कम मूव करेगा एंड हाई रहेगा तो ज़्यादा मूव करेगा, आप अपने हिसाब से सेट कर लेना। एंड चलते हैं अब दूसरे स्टेप में, मतलब सेकंड नेक्स्ट वाले में, तो जो है भाई रेड डॉट। तो भाई रेड डॉट क्या है, नो स्कोप, यानी कि जो एक भी स्कोप नहीं होता है, मतलब स्कोप नहीं होता है, उसके बाद जो एम होता है आपका जो बंदे के ऊपर लॉक होता है भाई, वो अगर रेड डॉट कम रहेगा तो वो रेड डॉट क्या है एकदम जाके लॉक हो जाएगा उस पर बॉडी पे, लॉक हो जाएगा, तो उसे क्या होगा हेडशॉट नहीं पड़ेगा, और अगर वो हाई रहेगा तो भाई मतलब सर के ऊपर से निकल जाएगा, बहुत से लोगों के तो सर के ऊपर से निकल जाएगा, एंड भाई जिसका एक्सपीरियंस है वो तो मतलब वो मूव होगा, यानी एकदम सिंपल से समझ लीजिए कि रेड डॉट अगर कम रहेगा तो नो स्कोप एमो,
जो नो स्कोप एमओ है वो कम मूव होगा अगर लो रहेगा, और अगर हाई रहेगा तो ज़्यादा मूव होगा। एंड भाई नेक्स्ट है 2x स्कोप, वही हाल है भाई 2x स्कोप में। 2x स्कोप जो है अगर लो रहेगा तो कम मूव होगा, एंड हाई रहेगा तो ज़्यादा मूव होगा। तो वही हाल है भाई 4x स्कोप में, अगर 4x स्कोप में सेंसिविटी कम रहेगा तो कम मूव होगा स्कोप, एंड अगर सेंसिविटी ज़्यादा रहेगा तो स्कोप ज़्यादा मूव होगा। एंड अब बात करते हैं भाई स्नाइपर स्कोप यानी AWM स्कोप का, तो भाई उसमें भी यही है, आपका स्कोप जो है ज़्यादा मूव होगा अगर सेंसिविटी ज़्यादा रहेगा, और कम मूव होगा अगर सेंसिविटी कम रहेगा तो। एंड भाई बात करते हैं फ्री लुक की, तो फ्री लुक क्या है भाई, आपका जो फ्री लुक होता है वो मूव होने पे डिपेंड करता है। फ्री लुक को अगर आप कम करते हो तो आपका फ्री लुक कम मूव होगा, एंड अगर फ्री लुक सेंसिविटी को ज़्यादा करते हो तो आपका फ्री लुक ज़्यादा मूव होगा। बस भाई इसमें सिर्फ मूविंग होता है भाई, आप किसको कितना इधर उधर मतलब घुमा सकते हो, कितना ज़्यादा मूव कर सकते हो, कितना कम मूव होता है, यही है, इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है सेंसिविटी में। एंड भाई जो भी कुछ था मैंने बता दिया, एंड सेंसिविटी जो है सिर्फ 15% डिपेंड करता है हेडशॉट के ऊपर, वो भी आपकी सेंसिविटी से कितना अच्छा खेल पाते हो। एंड भाई सबसे ज़्यादा हेडशॉट के ऊपर डिपेंड करता है डिवाइस, यानी कि आप जितने अच्छे डिवाइस से खेलोगे उतनी अच्छा हेडशॉट भी लगेगा आपका।